कोलकाता शहर से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। बता दें, यहां दमदम में सड़क की खुदाई में 250 साल से ज्यादा पुरानी तोप निकली है। ये तोप करीब 13 फुट लंबी है। ऐसा माना जा रहा है कि ये तोप सिराजुद्दौला के शासन काल की है। दमदम सेंट्रल के पास खुदाई के दौरान ये तोप मिली है, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। रिपोर्ट के मुताबिक करीब 15 दिनों की खुदाई के बाद इस तोप को बाहर निकाला गया है। कहा जा रहा है कि जमीन के नीचे दो बड़ी तोपें दबी हुई थी। ये तोप अपने वजन के कारण जमीन के नीचे धस रही थी। ऐसे में जब इस तोप को बाहर निकाला गया तो इसे खिसकाकर ले जाने वाला पहिया और तोप की नाली सब कुछ उसी तरह मिला जैसे पहले कभी इसे बनाया गया था। बता दें कि कोलकाता शहर में अब तक 15 से ज्यादा प्राचीन तोपों की पहचान की जा चुकी है। हालांकि 5 अप्रैल 2023 की दोपहर बरामद की गई ये तोप अब तक की सबसे पुरानी तोप मानी जा रही है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि देश और दुनिया की तमाम अनोखी खबरें हम आपके लिए लाते रहें।